कोरोना वायरस को देखते हुए करीब 2 महीने से बंद पड़ी नोएडा मेट्रो को फिर से चलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। करीब 2 महीने बीत जाने के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो रेल चलाने की तैयारियां शुरू की और अधिकारियों ने मॉक ड्रिल कर जायजा भी लिया। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन की हैं, जहां देख सकते हैं कि लोगों को 2 गज की दूरी में खड़ा किया गया है। इस मॉक ड्रिल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार की भी सभी गाइडलाइंस का पालन किया गया। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चीफ ऑपरेशन अधिकारी आर के सक्सेना ने कहा कि अधिकारियों ने ट्रेन चलाने के लिए मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में डमी यात्रियों का इस्तेमाल किया गया था। डमी यात्रियों से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की गई। मॉक ड्रिल में हमने ये करके देखा था कि जो पैसेंजर्स आएंगे उनको हम स्क्रीनिंग उनके पहले कैसे करेंगे। स्क्रीनिंग में हमारा मुख्यतया एक तो उनका टेम्परेचर लेंगे थर्मल स्कैनिंग करके, उसके अलावा उसके जो उनके फेस है वो कवर्ड रहना चाहिए, और तीसरा उनका आरोग्य सेतु का स्टेटस देखा जाएगा। जो तीनों में पास हो जाएंगे उनको फिर हम सैनिटाइज़र देंगे, हैंड सैनिटाइज़र छिपे देंगे। अगर कोई सस्पेक्टेड निकलता है तो उसके लिए हमने अलग एक जगह यहाँ पे रखी हुई है, वहाँ उसको बैठाया जाएगा, और जो यहाँ का हॉस्पिटल है कोविड हॉस्पिटल उनसे कॉन्टेक्ट करके और उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कुल मिला के अगर हम बात कहें तो कितनी तैयार है NMRC? NMRC ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और जो भी सावधानियां हैं वो पूरी हम इसमें रखेंगे अपने ऑपरेशन में। अब जब भी शासन का आदेश मिलेगा तब हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। माना जा सकता है, संभावना जताई जा सकती है कि 1 तारीख से लोगों को राहत मिले? अभी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो जो भी शासन जिस तरह से इसका डिसाइड करेगा उसी तरह से हम लोगों को एक्शन लेना है। बाकी हमारी तैयारी पूरी है। कोच के अंदर एक तो हमने ये कहा है कि पहले जो चढ़ने वाले यात्री हैं वो वेट करेंगे, उतरने वालों को पूरा उतर जाएं, उसके बाद में चढ़ने वाले जाएं। और इसके लिए अगर हमें एक्स्ट्रा रोकना पड़ेगा ट्रेन को तो हम एक्स्ट्रा भी रोकेंगे। दूसरा, ट्रेन के अंदर अल्टरनेट सीट पर बैठने की व्यवस्था है, एक सीट छोड़ के, जिससे कि टोटल हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। आपको बता दें कि मेट्रो में अब क्षमता के सिर्फ 50% लोग ही सफर कर सकेंगे और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए यात्रियों को मेट्रो ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मेट्रो में स्टिकर लगा दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को मेट्रो को चलाने की तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है, लिहाजा शुक्रवार को नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने ट्रेन चलाने के लिए मॉक ड्रिल किया। अब देखना ये होगा कि मेट्रो सेवा फिर कब शुरू हो पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गौरव गौर की रिपोर्ट।